Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now students, see the question 5. Question 5 is, the current carrying straight conductor is placed in east-west direction. The current carrying conductor ko east-west direction ke along jo hai rakha jata hai. What will be the direction of the force experienced by this conductor due to the earth's magnet? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या डायरेक्शन होगा किसका फोर्स का, एंड हाउ विल दिस फोर्स गेट अफेक्टेड, और ये फोर्स कैसे अफेक्ट करेगी ए रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंड बी डबलिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, और डबलिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पर करने पर यानी मैग्नीट्यूड अगर हम बढ़ाते करंट का तो क्या फर्क पड़ेगा फोर्स का. सी फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें यहाँ पर करंट कैरिंग कंडक्टर को ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अलॉन्ग किया और यहाँ पर दिस ये अर्थ की जो होगी नॉर्थ साउथ के अलोंग जो होगी मैग्नेटिक फील्ड भी है. तो अगर हम यहाँ पर देखें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू तो यहाँ पर जो है फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी, फोर्स की डायरेक्शन जो है आउटवर्ड आएगी, यहाँ बाहर की तरफ आएगी. सो व्हेन कंडक्टर्स करंट अलोंग द ईस्ट वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट एंड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग साउथ टू नॉर्थ, जो कि हमेशा ऑलवेज होती है साउथ से लेके नॉर्थ, सो वी गॉट डायरेक्शन ऑफ फोर्स आउटवर्ड, बाहर की तरफ. अब अगर हम डायरेक्शन रिवर्स कर दें अब की मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो वही रहेगा और यहां पर क्या रहेगा ईस्ट से वेस्ट. अब हमारा क्या हो गया वेस्ट टू ईस्ट ना होके यहां पर अगर मैं ये लू वेस्ट और ये लू ईस्ट और ये हमारा करंट की डायरेक्शन आ गई, फोर्स की डायरेक्शन जो है अंदर की तरफ आएगी और अंदर की तरफ के लिए हम इस तरह का साइन यूज करें. तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट रिवर्स हो गया. इस केस में क्या आ गया फोर्स विल इनवर्ड, फोर्स क्या होगी इनवर्ड आएगी, इनवर्ट फोर्स है. और जब हम क्या कर देंगे करंट को डबल कर देंगे तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई, सो ऑन डबलिंग द करंट द फोर्स विल आल्सो इंक्रीज, फोर्स भी इंक्रीज.